वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम आपको दिखाने वाले हैं लंगर मेकिंग प्रोसेस गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में, जहां कोई 50 से 60 हजार लोग डेली लंगर छकते हैं और यहां लंगर का जितना भी खाना बनता है लगभग सारा खाना फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा बनता है। तो चलिए गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक देखना और शुरू करते हैं गुरु के नाम के साथ। जो आप देख रहे हैं ये आलू छिलने की मशीन है, इसमें बिना हाथ से टच किए 50 किलो आलू को यहाँ से धुल के और छिलने के छिलके निकलेंगे। तो आप देख सकते हैं पानी से आलू धुले जा रहे हैं, छिल रहे हैं साथ के साथ, और कोरोना के टाइम में बिल्कुल अनटच्ड काम हो रहा है। और वो भी 50 किलो आलू छिलना और धुलना, ये काम 5 मिनट के अंदर हो रहा है इस मशीन से। पहले इस चीज को करने में 2 से 2.5 घंटे लग जाते थे, वो भी डिपेंड करता था कितनी संगत यहाँ पर है। तो देखिए 5 मिनट भी नहीं हुई है, हार्डली 2 या 3 मिनट हुई है। इसी के अंदर आप देख सकते हैं आलू छिल गए हैं पूरी तरीके से और लगातार धुले भी जा रहे हैं। और ये देखिए धुलने और छिलने के बाद आलू इधर से बाहर आ रहे हैं मशीन से। अभी छिले हुए आलू देखिए इस मशीन में काटे जाएंगे और यहाँ पे भी बहुत जल्दी काम हो रहा है। कितने भी आलू डालिए मतलब विद इन सेकंड से कट के नीचे आ जाते हैं। तो इसमें कितनी देर लग जाती है 50 किलो आलू होने में? तो ये काम भी कितना आसान हो चुका है, आप देखिए हार्डली 1 मिनट हुई है, 1 मिनट के अंदर 50 किलो आलू कट के बाहर आ चुका है। ये मशीन हिंदू परिवार ने 11 करोड़ की दिया पूरी मशीनों की। अच्छा 11 करोड़ रुपए दिए थे पूरी मशीनों के लिए हिंदू परिवार ने। अच्छा तो आलू हमारे कट चुके हैं और अब ये जा रहे हैं जो यहाँ की अल्ट्रा मॉडर्न किचन है गुरुद्वारा बंगला साहिब की। और ये आप देखिए इधर ये चावल धुले जा रहे हैं। अब ये जो धुले हुए चावल है इन्हें डाला जा रहा है पानी रिफाइंड और जो मसाले हैं उसके अंदर। तो ये इसके अंदर 100 किलो चावल है और 100 किलो चावल यहाँ पे 10 मिनट के अंदर उबल जाएगा इस मशीन के अंदर। पहले इस काम को होने में 1 घंटा 1.25 घंटा लग जाता था। काम कितना आसान हो गया, कितना जल्दी हो गया, क्योंकि यहाँ पे 50 से 60 हजार लोग डेली लंगर करने आते हैं। तो कहिए तो इन मशीनों का आने से ना केवल मैन पावर की जरूरत कम हो गई है बल्कि टाइम भी हमारा काफी कम लगने लगा है। यार इसमें दाल बनेगी और पहले पानी डाला जा रहा है दाल के लिए और ये अब दाल डाली जा रही है। और ये जो है 50 किलो दाल एक बारी में बनेगी यहाँ पे। और अभी इसमें नमक डाला जा रहा है और अभी इसमें डाली जा रही है लाल मिर्च और अभी हल्दी डाली जा रही है और अभी इसे बंद किया जाएगा। ये दाल अब इसमें पकती रहेगी 20-25 मिनट तक। तो ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर 50 किलो आटा जाएगा, 50 किलो आटा 20 मिनट के अंदर गूंज जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप खुद सोचिएगा नौ हाथों से आटा गूंदने बैठ जाए 50 किलो तो कितनी देर लगेगी, इसमें 20 मिनट के अंदर ही पूरा काम तैयार हो जाएगा। ये काम करने के लिए अगर संगत यहाँ पे कर रही होती थी 2 से 2.5 घंटे का टाइम लगा करता था, अब 20 मिनट के अंदर ये काम हो जाता है। 10-12 मिनट हो चुके हैं और 10-12 मिनट के अंदर ये 50 किलो आटा गूंदा जा चुका है और अब इससे रोटियां बनेंगी। तो ये जो आटा है इसको छोटे छोटे पीसेज में काटने के बाद ये डाला जाएगा मशीन के अंदर और मशीन से इस आटे के अपने आप पेड़े बन के निकलते रहेंगे। वही जो पेड़े हैं इनके ऊपर ये सूखा आटा डाला जा रहा है जिससे कि इनके ऊपर हल्का हल्का सूखा आटा लग के आता रहे, ये जो रोटी बने वो फटे ना। और ये देखिए ये पेड़ों की अपने आप इधर रोटियां बनती हुई निकल रही हैं। तो यहां तक जो रोटी आ रही है वो हल्की सी मोटी है, यहां पे थोड़ी और पतली होकर देखिए बिल्कुल परफेक्ट रोटी की शेप बन के निकलेगी इधर। और ये जो रोटियां हैं ये फिर उसके बाद जाएंगी यहाँ पे गैस में और आप देख सकते हैं पहले रोटी उधर से आएगी, वहां सीखेगी, हल्की सी आंच लगेगी, यहाँ पे आंच लगेगी, फिर नीचे आएगी, यहाँ पे आंच लगेगी और बिल्कुल फूल के रोटी तैयार होगी। ये देख लीजिए आप देख सकते हैं बिल्कुल फूली हुई रोटियां निकल रही हैं और जो रोटियां हैं वो सिक्के अपने आप इधर से निकलती रहेंगी। ये मतलब कितनी रोटियां निकल जाती हैं इसमें? 1 घंटे में 4000। 1 घंटे में 4000 रोटियां? तो ये देखिए इधर से 1 घंटे में 4000 रोटियां निकल सकती हैं। तो कितना मतलब टाइम सेव हो जाता है और ये इन पर घी लगता रहेगा इधर और घी लगने के बाद ये रोटियां आ रही हैं इधर जहां से डायरेक्ट संगत के पास चली जाएंगी लंगर में। और इधर ये बन रहा है आलू सोयाबीन, इसमें ग्रेवी डाली गई है, पहले मिर्च डाली है और अब ये डाली जाएगी इसमें हल्दी और अब इसमें नमक डाला जा रहा है। ये देखिए अब ये देखिए अब इसमें सोयाबीन डाला जा रहा है। तो कोई 10 मिनट हो गई है और देखिए सोयाबीन जो है बढ़िया तरीके से पक चुकी है, आलू डाला जा रहा है। तो ये जो देख रहे हैं इसमें लगभग 50 किलो आलू है, 20 किलो करीब इसमें सोयाबीन है और पानी भी 30-40 किलो जाएगा। तो बनने के बाद ये 100 किलो से ज्यादा सब्जी तैयार हो जाएगी। ये 350 किलो दाल एक ही बारी में बनी है यहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटिक तरीके से। तो ये जो चेंजेस हैं ये आए हैं गुरुद्वारों में लॉकडाउन के दौरान, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लगा दी गई हैं। तो ये 350 किलो दाल एक साथ पक्की निकली है, 350 ही उधर रखी हुई है और 350 ही उधर है। और ये दाल ढककर सीधा जाएगी लंगर में संगत के लिए। जो चावल है अब तैयार हो गए और अब बाहर निकाले जा रहे हैं और संगत के लिए पहुंचाए जाएंगे लंगर में।
और इधर देखिए दाल के निकलते ही जो ये बड़े वाला जो बर्तन है दाल बनती है जिसमें, ये साफ किया जा रहा है, एकदम से धुला जा रहा है। तो साफ सफाई का कितना ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है। और ये जो हमारी आलू सोयाबीन की सब्जी है देखिए तैयार हो चुकी है। कोई 50 से 60 हजार आदमी डेली लंगर करते हैं यहाँ पे, तो सब्जियाँ दाल चावल रोटी लगातार बनती रहती है। तो गाइस ये देखिए संगत आनी शुरू हो गई और अब यहाँ पे सब लंगर चखेंगे। एक दिन में कोई 50 से 60 हजार लोग यहाँ पे लंगर चखते हैं। जो हमने अभी आपको मेकिंग दिखाई लंगर की, वो अब कोई भी आ सकता है और जितना चाहे उतना मन उतना पेट भर के लंगर चख सकता है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं, कोई रोक टोक नहीं किसी के लिए भी। वाहेगुरु जी की फतेह है। पता था वाहेगुरु इस सेवा से लेकर कैसे लंगर खिला रहे हैं, मतलब ऐसा सेवा भी कर सकते हैं आप और मतलब लंगर का आनंद भी ले सकते हैं और आके सेवा भी कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। तो गाइस जैसा भी आपने देखा लंगर में कोई भी आ सकता है, गरीब अमीर छोटा बड़ा मंत्री भिखारी सब एक जगह बैठ के खा सकते हैं, अपना पेट भर के खा सकते हैं। बस एक आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है, गुजारिश है, जब आप लंगर चखने आए बस खाना वेस्ट न करें, उतना ही खाना नहीं जितने की आपको जरूरत है। अगर आप खाना वेस्ट कर रहे हैं वो आप समझिए किसी और के हिस्से का खाना आप डस्टबिन में डाल रहे हैं। तो बस यही मेरी आपको गुजारिश है। बाकी मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक बार जोर से बोल दीजिए, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बंगला साहब गुरुद्वारे लखों यात्री आते हैं, लखों संगत आती है, प्यार न लंगर प्रशादा छकती है। ऐसे धन श्री गुरु नानक देव जी की मार कृपा हैगी है, महान कृपा है, ओदे नाले लंगर आज भी चल रहा है और सदियों तक चलता रहेगा। कोई कमी नहीं गुरु के कार्य च। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।